चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, सर्वे इन विच कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट टेकन इन टू अकाउंट, उसको क्या बोलते हैं जी, जिसमें नहीं लिया जाता है, जल्दी बताइए। प्लेन सर। बिल्कुल सही, प्लेन सर्वे। कितना किलोमीटर तक का, ठीक है ना, एरिया क्या है, 250 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 250 किलोमीटर सर, स्क्वायर किलोमीटर 250 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना, सिर्फ किलोमीटर नहीं, स्क्वायर किलोमीटर। विच ऑफ द फ्लोइंग सर्वे इज कैरिड आउट टू फिक्सिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन, बताओ। बी सर, कैडेस्ट्रल। कैडेस्ट्रल में क्या होता है, भूमि वगैरह का करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है, दूसरा का बी, ठीक है ना। और किसी के पास क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भेजिए, ठीक है ना, आप लोग भेजिए क्वेश्चन, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, तीसरा नंबर गंटर चेन, 66 फीट। बिल्कुल 66 फीट सर, सही है, ठीक है ना। नहीं जी, इसमें 100 लिंक होगा ना जी, 100 लिंक होगा सर, 100 लिंक, 66 फीट और 100 लिंक होगा। चौथा का सी होता है, ठीक है, चौथा का सी होगा, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा बिल्डिंग, बिल्डिंग एन ऑब्स्टिकल, ठीक है, ये तो दोनों के लिए हो गया, ठीक है, ये तीसरा का देखना था ना, मैं चौथा का देख रहा था आंसर। तीसरा का क्या है जी, बी दिया है, 66, ये तो गलत है ना जी। यस सर, ठीक है। घंटा सर, ठीक है, चलो। अच्छा ये बताओ, करेक्ट फॉर स्लोप इज ऑलवेज, स्लोप के लिए क्या होगा जी, स्लोप करेक्शन। अच्छा एक सैग करेक्शन होता है, तो सैग करेक्शन में क्या होता है जी, ऑलवेज निगेटिव, सैग करेक्शन याद रखिएगा। इसमें स्लोप कम है, ओ ए एंड बी दोनों होगा, सैग में सिर्फ निगेटिव होता है, स्लोप में क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप भी हो सकता है, निगेटिव स्लोप भी हो सकता है, ठीक है ना। पांचवा का बी है, ठीक है ना, पांचवा का बी निगेटिव, ठीक है। अच्छा चलो, ऑप्टिकल स्क्वायर किसके लिए यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल, ऑप्टिकल स्क्वायर, ये बताया था। अरे नहीं बाबू, ऑप्टिकल स्क्वायर, ठीक है, एंगल कहाँ इससे माप सकते हैं, वर्टिकल एंगल कहाँ माप सकते हैं, ऑप्टिकल स्क्वायर जो होता है रेंजिंग रॉड और ये सब करते हैं, क्या करते हैं, इसमें सी होना चाहिए, ठीक है ना। सेटिंग आउट राइट एंगल करने के लिए, कितना नंबर था ये, 6th नंबर ना, ठीक है, 6th का C होगा, राइट एंगल नापते थे ऑप्टिकल स्क्वायर से, तुम लोग भूल गए, ऑप्टिकल स्क्वायर का फोटो दिखाए थे, ठीक है, उससे क्या होता है, तीन तरह का करते थे, एक फ्रेंच क्रॉस स्टॉक, नहीं बताया सर, अरे देखो बताते हैं, याद आ जाएगा, एकदम याद आ जाएगा। देखो फ्रेंच क्रॉस स्टाफ बताए थे, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, एक होता था ओपन क्रॉस स्टाफ, और एक होता था ऑप्टिकल स्क्वायर, एक एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ बताए थे या फिर ऑप्टिकल स्क्वायर, ठीक है ना, ये तीन चीज बताए थे, देखो यहाँ पे मैं फोटो भी नोट्स, चलो ये 3-4 क्वेश्चन करते हैं फिर आते हैं वापस, ठीक है। राइट एंगल होगा सर, हाँ राइट एंगल होता है, ठीक है ना। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, क्वाड्रेंटल बेयरिंग इतना है तो होल सर्किल बेयरिंग में कितना होगा जी, पहले क्या निकालेंगे इसका, नॉर्थ 40 डिग्री, ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, नॉर्थ चालीस डिग्री है, इधर कितना होगा जी, जल्दी बताओ, 320 सर, 320 सही है, बिल्कुल सही। अब कौन सा तुम करो, इतना लेट कहाँ से रहते हो, नॉर्थ से वेस्ट की ओर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे सर। हेलो, ये वाला क्वेश्चन आज पढ़ाएंगे आप लोग को, 8th नंबर, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रिज्मेटिक कंपास में, ठीक है ना, ग्रेजुएशन जो होता है वो कैसा होता है, ठीक है ना, प्रिज्मेटिक इनवर्टेड सर, बिल्कुल सही, इनवर्टेड होता है। हाँ, सर्वेयर कंपास में कैसा होता है, देखो सर्वेयर कंपास में होल सर्किल बेयरिंग होता है, क्वाड्रेंटल बेयरिंग होता है, आर्बिट्री बेयरिंग होता है, ये दोनों आज पढ़ाएंगे, प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयरिंग कंपास, इसमें क्वाड्रेंटल सर बी होगा, क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम होता है, किसी को नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको बताया जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट 10th नंबर बना सकते हो जी तुम लोग, ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, बेयरिंग ए बी दिया हुआ है, ए बी का बेयरिंग कितना दिया हुआ, नॉर्थ वेस्ट 10 डिग्री दिया हुआ जी, नॉर्थ
दस डिग्री बेस, ठीक है, ये वाला एंगल दिया हुआ, ठीक है ठीक है, एक सेकंड डिग्री होगा सर, ठीक है रुक जा रुक जा रुक जा, इसको फोटो अच्छा से बनाने दो, 90 डिग्री होगा सर, तीन मेरा हैंग क्यों कर रहा है, चलो ठीक है, ठीक है ये सीधा लाइन हो गया, इधर से ये 10 डिग्री हो गया, ठीक है ये 10 डिग्री हो गया, कहता है बियरिंग ऑफ बीसी, ये क्या हो गया, बीसी कितना हो गया, साउथ और वेस्ट, साउथ वेस्ट तो इधर हो गया ना जी, इसमें कितना होगा 80 डिग्री, यहाँ से ये 80 डिग्री हो गया, कहता है एंगल एबीसी कितना होगा, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, हम बताए थे क्या होता है दूर वाला माइनस नजदीक वाला, तो दूर वाला पूरा निकालो पहले, ये कितना हो जाएगा जी दूर वाला, ये दूर वाला कितना हो जाएगा जी जल्दी बताओ, 180 प्लस 80 कितना हो गया जी 260 डिग्री होगा, 260, और ये वाला कितना होगा जी, ये वाला एंगल ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 हो जाएगा, 10 10 10, और ये यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा, 260 से 170 घटाओ कितना हो जाएगा जी 90 डिग्री आएगा, 90 डिग्री आंसर हो जाएगा, कोई 90 डिग्री आंसर दिए हैं, आंसर तो तीन लोग भेजे हैं, दिए थे सर, सुबोध जी ऐसे नहीं होगा 90 होगा, ठीक है सर 90 डिग्री, चलो बहुत अच्छा जो लोग बोले होंगे, ठीक है ना, तो आज ये प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास पढ़ते हैं, ठीक है ना, तब मजा आएगा हम लोग को, हर चीज पढ़ते पढ़ते ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करते रहेंगे, ठीक है ना, तब समझ में आएगा कि क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, ठीक है ना, चलो ऑब्जेक्टिव करेंगे डेली, अभी से 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन डेली करेंगे, ठीक है, और फिर एक दिन बैठ करके 3-4 घंटे का लगातार क्लास लेंगे, उस दिन पूरा किताब खत्म करेंगे, ठीक है ना, पूरा सर्वेइंग का ऑब्जेक्टिव एक दिन में क्लियर, 3 घंटे का मेगा क्लास चलेगा आप लोग का, एग्जाम से पहले 2 बार कराएंगे, एक बार से नहीं काम चलेगा, 2 बार कराएंगे पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर, ठीक है ना, ऑप्टिकल स्क्वायर के लिए बोल दीजिएगा सर, हां ऑप्टिकल स्क्वायर भी दिखा देते हैं, देखो पहले दिखा देते क्या क्या पढ़ाए थे उसके, वो सब दिखा देते, ये तो प्लेन सर्वे वाला देख लिए थे जी सब लोग, ठीक है ना, चलो अब देखो यहाँ पे ये सब हो गया मेन सर्वे लाइन, ये सब चेक लाइन, ये सब तो जानते ही हो तुम लोग, ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लेन सर्वे, ठीक है ना, चेन, ठीक है, ठीक है, इसमें कितना लिंक हो गया जी, 100 लिंक हो गया ना, गंटर्स चेन में याद रखिएगा, गंटर्स चेन में कितना लिंक होगा, 100 लिंक होगा, लिंक सर 66 फीट, चलिए अभी सब लोग म्यूट हो जाइए, अभी सबको हम बताते जाते हैं, ठीक है, चलिए ठीक है, उसमें हो सकता है लंबाई पूछ रहा हो, सब लोग लिंक एरो ये सब है, ठीक है, देखो ये क्या है, प्रिज्म स्क्वायर है, यही क्या है, प्रिज्म स्क्वायर, इसी को क्या कहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेंजिंग नहीं बताया है, देखो रेंजिंग बताया गया, रेंजिंग बताया है, ये देखो ये ओपन क्रॉस स्टाफ है, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ है, एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ है, इसी को क्या, ये क्या है, ऑप्टिकल स्क्वायर है, बताया गया ना जी ऑप्टिकल स्क्वायर, ये क्या एडजस्टेबल क्या है, इसी के बारे में बताया था ना, होराइजन ग्लास इंडेक्स ग्लास किसमें होगा, ऑप्टिकल स्क्वायर में होता है, याद आ गया, ऑप्टिकल स्क्वायर इज ऑल्सो यूज फॉर सेटिंग आउट राइट एंगल, लिखा हुआ है जी, इसको अंडरलाइन कर देंगे तब याद रखिएगा, इसमें बताया था ना जी आधा गिलास एच मतलब हाफ गिलास सिल्वर्ड हाफ अनसिल्वर्ड, आई मतलब पूरा इंडेक्स, इससे क्या होगा, हाफ वाले से क्या होगा, अगर आर पार भी देख सकते हैं, इधर से नीचे देखेंगे तो ये सामने वाला को दिखाएगा 90 डिग्री पे, ठीक है, इसका प्रिंसिपल भी है, प्रिंसिपल बहुत पूछता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इसका, इसका ऑप्टिकल स्क्वायर का बहुत पूछता है, ये सब पीला कर चुके थे पहले से, ये पीला है अभी नहीं किया आपके सामने नहीं किया, ये सब पहले से पीला है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है, ठीक है, मेटेलिक टेप में 36% और 64% हर बार पूछेगा, इन बार टेप का करेक्शन वाला फॉर्मूला बहुत पूछेगा, टेम्परेचर हमेशा क्या होगा पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है, ठीक है, और क्या होगा, ठीक है, और बताओ पुल करेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है, वो तो ताकत कम बेसी दोनों लग सकता है, नेक्स्ट क्या है, सैग करेक्शन, सैग करेक्शन ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव, इसमें कहीं लिखे होंगे हम लोग, ठीक है ना, सैग करेक्शन क्या होगा, स्लोप करेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओरिजेंटल अलाइनमेंट क्या होगा, दोनों हो सकता है, ठीक है, चलो इतना तक तो क्लियर हो गया सभी को,
चलो नेक्स्ट देखो, ज्यादा देर नहीं चल रहा लैपटॉप, रेसिप्रोकल हो गया। आज बात करेंगे नेक्स्ट चीज के बारे में, क्या बात करेंगे, ऑप्टिकल ये सॉरी प्रिज्मेटिक कंपास, कंपास बता रहे थे जी, क्यूबलेटिव पूछेगा, प्रोपोर्शनल टू एल और कंपनसेटिंग रूट एल, ये वाला भी याद रखिएगा इधर का, क्यूमुलेटिव एल कंपनसेट का रूट एल बहुत पूछता है, ये सब मेरेडियन ये सब लाइन वाइन ये सब बहुत पूछेगा। सर्वे में मजा आ रहा है जी, बोरियत नहीं लग रहा किसी को, किसी को लग रहा होगा ना। हाँ चलो ठीक है, चलो ठीक है, ये सब न्यूमेरिकल बनाए थे जी कल वाला, मजा आ रहा है, एक बार रिवीजन करा देते हैं ठीक ना, ये वाला रिवीजन जिसको नहीं समझ में आया होगा आज समझ लीजिए, 10 मिनट टाइम इसमें देंगे ठीक है ना, हम नाइट जो समझ में नहीं आया वो बोरिंग लग रहा था ठीक है, नहीं तो पूछिए जो जो समझ में नहीं आता वो पूछना है ना बाबू, कौन पूछेगा, तुम नहीं पूछोगे तो कौन पूछेगा, बाहर वाला तो नहीं पूछेगा। चलो जल्दी जल्दी देखो यहाँ पे टाइम कम है ठीक है, हमको नींद भी बहुत जोर से आ रहा है ठीक है ना, नाइट ड्यूटी की है बाबू, ये वाला समझ में नहीं आया सर बता दीजिए ठीक है ना, 40 मिनट ही क्लास लेंगे बाबू आप लोग का, 40 मिनट ठीक है ना, एक्स्ट्रा क्लास लेंगे नहीं ठीक है, चलिए इसलिए आप लोग जो है बंद हो जाएगा तो फिर रहने दीजिएगा ठीक है, आज थोड़ा कम ही क्लास लेंगे। नेक्स्ट चलिए क्या कहता है ठीक है ना, चलिए देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल है ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पहला चीज एंगल ए बी दिया हुआ, सबका 4 बेरिंग दिया हुआ है, ये तो बना लोगे जी, फोटो बनाने में किसी दिक्कत, 60 डिग्री 30 मिनट कर रहा, 60 डिग्री 30 मिनट बना दिए, बीसी कह रहा है 122 डिग्री, बीसी 122 बना दिए, बी से सी 122 डिग्री, सी डी कह रहा है 46 डिग्री, तो सी से डी 46 डिग्री बना दिए, म्यूट हो जाइए सभी लोग, किसी को अभी ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डी से फिर ई के बारे में पूछ रहा है ठीक है ना, डी से ई के बारे में, तो डी से ई कितना हो जाएगा ये भी देख लेते हैं ठीक है, डी से ई देखो 205 डिग्री है, तो डी से ई 205 डिग्री बना दिए, ई से कितना है, ई से ये यहाँ पे मिल गया, ये कौन सा ट्रेवर्स बन गया, क्लोज ट्रेवर्स, इसको क्या बोलेंगे, क्लोज ट्रेवर्स बोलेंगे ठीक है, क्लोज ट्रेवर्स हो गया ठीक है। अब नेक्स्ट देखो ठीक है, अब क्या करते हैं, इंक्लूडेड एंगल निकालते हैं, क्या निकालते हैं, इंक्लूडेड एंगल ठीक है। अब इंक्लूडेड एंगल में देखो क्या होता है, पहला एंगल ए के बारे में बात करते हैं ठीक है, फोटो रखिएगा सब दिमाग में ठीक है, अभी ध्यान में रखिए फोटो, फोटो को भूलना नहीं है ठीक है। चलिए पहला एंगल ए, एंगल ए को जब देखते हैं ध्यान से, इसको जूम कर देते हैं एंगल को ठीक है ना, ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए ठीक है। अब एंगल ए के बारे में बात करते हैं ठीक है, एंगल ए में क्या है जी, हमको एंगल ए कैसे निकलेगा, जब हम लोग देखो ध्यान से, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला करेंगे, करेंगे तो ये निकल जाएगा, पीला माइनस हरा करेंगे, एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा जी, येलो माइनस ग्रीन करेंगे तो रेड वाला निकलेगा, रेड इज इक्वल टू यस और नो, यस ठीक है। तो पीला वाला क्या है जी, हमको नहीं पता है, लेकिन हमको ये पता है 300 डिग्री, इसका बैक बेरिंग निकाल देंगे तो इसका निकल जाएगा जी ठीक है, यानी हमको क्या चाहिए, बैक बेरिंग ऑफ ए या ई ए, बैक बेरिंग ऑफ सही लिखे है कि गलत लिखे है, गलत है सर, बैक बेरिंग ऑफ क्या लिखेंगे हम लोग, ई ए, क्या लिखेंगे जल्दी से बताओ तुम, हमको कौन सा एंगल चाहिए ये पहले सोचो, हमको चाहिए ये वाला एंगल ठीक है, ये वाला चाहिए ठीक है, ये वाला चाहिए, तो हमको एंगल किससे चाहिए, तो बैक बेरिंग लिखेंगे या फोर बेरिंग, ये मतलब ई से ए, दूसरा वाला ना मापाएगा जी, बैक बेरिंग मतलब सेकंड वाला, तो ए वाला एंगल आपको आ जाएगा, तो ये लिखाएगा, तो बैक बेरिंग ऑफ ई ए बराबर क्या हो जाएगा, फोर बेरिंग ऑफ ई ए माइनस 180 डिग्री, 300 माइनस 180 कितना हो जाएगा जी, 120 डिग्री हो जाएगा, चीज समझ में आ रहा है कि बैक बेरिंग क्यों लिखे, ए पे एंगल हमको निकालना है, पीला वाला निकालना है, पीए वाला के लिए क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे, ए मतलब क्या होगा कि इस पे ना पा जाएगा ना, फिर बाद वाला एंगल ना पाता, बैक बेरिंग मतलब बाद वाला का एंगल, नहीं तो हमको पहले वाला का एंगल नापना है, बाद वाला ए पे एंगल लगता है, तो बैक बेरिंग ऑफ ई ए ठीक है, मतलब ई फॉर्मूला होता है, बैक बेरिंग बराबर क्या होगा, फोर बेरिंग प्लस माइनस 180, ये फॉर्मूला होता है, रट लीजिए आप लोग, दोनों का डिफरेंस क्या होता है, बैक बेरिंग फोर बेरिंग का 180, तो 300 ज्यादा 180 से तो माइनस हो जाएगा, कम रहता तो जुड़ जाता,
120 डिग्री पीला वाला आ गया, ये दिया हुआ है ना जी, हरा वाला दिया हुआ है 50 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 120 माइनस 60 डिग्री 30 मिनट, तो आ जाएगा 59 डिग्री 30 मिनट, ये एंगल पता चल गया। अब क्लियर कर देते हैं सारा चीज को, एंगल बी इस तरह से निकलेगा, ठीक है, ये हरा वाला एंगल बी है, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, ठीक है ना, सिर्फ खाली बस दिमाग लगाते जाओ। हमको क्या निकालना है, बाहर वाला, दूर वाला माइनस नजदीक वाला, नजदीक वाला तो हमको दिया हुआ 105 डिग्री, दूर वाला नहीं पता, तो दूर वाला कैसे निकलेगा जी, फिर से समझो, ठीक है, दूर वाला कैसे निकलेगा, तो दूर वाला हमको लाल वाला एंगल निकालना है, तो रेड रेड बराबर क्या हो जाएगा, रेड वाला एंगल बराबर, तो ये देखो फोर बेरिंग के बैक बेरिंग अभी एकदम समझ में आ जाएगा, ए से बी, ठीक है, हमको किस पे एंगल चाहिए, बी पे एंगल चाहिए जी, हमको बी पे एंगल चाहिए, बी हम लिख दिए, अब ए बी लिख दिए, तो भी फोर बेरिंग होना चाहिए कि बैक बेरिंग, हमको चाहिए एंगल किस पे, हमको एंगल चाहिए बी पे, तो बी अगर बाद में लिखा है तो क्या हो जाएगा, बैक बेरिंग होगा, यस सर। अगर हम बी ए लिख देंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, इधर फोर बेरिंग लिखना पड़ेगा, हमको एंगल चाहिए बी ए पे जी, हमको देखो जो बाद में लिखाएगा तो बैक बेरिंग हो जाएगा, अब पहले अगर लिखा गया तो फोर बेरिंग हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हो तुम लोग, सर से किस किस बियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है सर, ये बियरिंग से रिलेटेड है बाबू क्वेश्चन, ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया ना, बैक बेरिंग लिखेंगे कि फोर बेरिंग लिखेंगे, बैक बेरिंग कब लिखेंगे, जब बी बाद में आ जाएगा, बी से ए जा रहा है तो बैक बेरिंग ऑफ ए बी निकालेंगे, ए बी का बैक बेरिंग, तो बी पे एंगल आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा जी, बैक बेरिंग ऑफ ए बी बराबर क्या होगा, फोर बियरिंग ऑफ ए बी प्लस माइनस 180, 60 डिग्री 30 मिनट में क्या हो जाएगा, 180 ऐड हो जाएगा, कितना जाएगा 240 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। अब ये देखो, अब लाल वाला आ गया, इसमें से ये वाला घटा कर देंगे, 122 डिग्री घटा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 30 मिनट इधर से आ गया, 10 में से 9 में से 2 गया कितना हो जाएगा 7, सॉरी 0 में से 2 गया तो 8, और 4 में से 2 गया 2, 28 डिग्री 30 मिनट, सही, अच्छा एक यहाँ पे भी आ गया 118 डिग्री, सॉरी, ठीक है ना, सही आ रहा है जी, गलत आ रहा क्या, रुक जा रुक जा रुक जा, एक सेकंड रुक जा, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है ना, देखो यहाँ पे देखो एक दो ये आ गया 240 डिग्री 30 मिनट, इसमें से क्या होगा माइनस कर देंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा 30 मिनट, ये 10 में से 2 गया 8, 3 में से 2 गया 1, 118 डिग्री 3 मिनट, ठीक है, ये हो गया, ये आ गया, देखो हाँ यहाँ पे तो लिखा ही हुआ 118 डिग्री 3 मिनट, हम भी कन्फ्यूज हो गया, ठीक है, ये तो समझ गए 118 डिग्री, अब एंगल सी निकालते हैं, ठीक है, चलो डायरेक्ट एंगल सी निकालते हैं, एंगल सी क्या हो जाएगा जी, बाहर वाला कि अंदर वाला, ये वाला एंगल होगा कि ये वाला होगा, अब जल्दी से बताओ, भीतर वाला, अंदर भीतर वाला, वाला। अरे बुड़बक, देखो इंक्लूडेड एंगल में जो ट्रेवर्स के अंदर पड़े उसको कहेंगे इंक्लूडेड एंगल, इसको नहीं बोलेंगे, इसको इंक्लूडेड नहीं बोलेंगे, मतलब ये ट्रेवर्स के अंदर पड़ेगा ना, तो इंक्लूडेड ये हो गया, ठीक है, छोटा बड़ा से मतलब नहीं, तो ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, रेड वाला, तो ये बाहर वाला, बाहर वाला माइनस ये वाला कर देंगे 40 डिग्री कर देंगे, तो लाल वाला निकल जाएगा जी, पूरा में से ये घटा देगा तो ललका निकल जाएगा, तो पूरा कितना आएगा जी, 122 डिग्री दिया हुआ है, तो क्या निकालेंगे इसका, बैक बेरिंग, फिर लिखो बैक बेरिंग ऑफ, क्या लिखेगा जी, बैक बेरिंग ऑफ क्या, बीसी, बीसी क्यों लिखे, क्योंकि हमको सी पे निकालना है, सी पे निकालना है, तो बैक बेरिंग लिख देंगे, क्योंकि जो जो लास्ट में लिखा है उस पे निकालना है, तो बैक बेरिंग होगा, बैक बेरिंग सी में क्या होगा, 122 डिग्री प्लस 180, क्योंकि 180 छोटा है, कितना हो जाएगा 2, 8, 2, 10, 2, 1, 3, 320 डिग्री आ गया, 46 इसमें माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा जी, पूरा आ गया 302, और इसमें से 46 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 12 से 6 गया 6, और 9 में से 4 गया क्या हो जाएगा 5, 256 डिग्री, देखो तो सी आया 256, अच्छा सर, देख लेते हैं, रुक जाओ, अच्छा चलो ठीक है 256 है, ठीक है चलो, अब नेक्स्ट देखो, क्लियर कर देते हैं फिर ये देखो, ठीक है, इसको कहाँ रखे, सब जगह जगह छीट लेता है, ठीक है,
हमको स्क्रीन पे आधा स्क्रीन मेरा छेका जाता है, तुम लोगों को दिख रहा होगा, मेरे को नहीं दिखता है, आधा स्क्रीन छेका जाता है। अब ये देखो, ये एंगल डी निकालना है, यही एंगल निकालना है जी। ये एंगल में क्या क्या फाइंड करना है ध्यान से देखो, रिकॉर्डिंग चल रहा है कि रुका हुआ है? चल रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या निकालना पड़ेगा, बड़का में से क्या करेंगे, छोटा वाला को माइनस कर देंगे। छोटा वाला कौन है जी? ये वाला, ये वाला दिया हुआ है जी, कितना दिया हुआ, 205 डिग्री 30 मिनट, 205। अब बड़का निकालेंगे, बड़का कैसे निकालेंगे जी, सिंपल है। फिर बैक बेयरिंग निकालेंगे, बैक बेयरिंग ऑफ किसका, सीडी बीसी या फिर सीडी? सीडी पे निकालना है, डी पे, डी पे। तो ये बाद में होगा बैक बेयरिंग। अगर फोर बेयरिंग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फोर बेयरिंग ऑफ डीसी, फोर बेयरिंग ऑफ डीसी, फोर बेयरिंग ऑफ डीसी, सिंपल। फोर बेयरिंग अगर हमको डीप एंगल निकालना है तो फोर बेयरिंग ऑफ डीसी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा जी, ये बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री प्लस 46 कर देंगे जी, क्योंकि 46 है दिया हुआ। तो कितना हो जाएगा जी, 6, 8, 4, 12, 226 डिग्री हो गया। अब ये देखो बड़का 226 है, छोटका 205 है, माइनस कर दो, 205 डिग्री 30 मिनट, इधर चल जाएगा 60 मिनट इधर आएगा, तो 30 मिनट इधर, 60 में से 30 मिनट घटेगा तो 30 मिनट आ जाएगा जी। 5 में से 5 गया 0 डिग्री, और इधर 1, 2 में से 0 गया 2, और इधर क्या होगा, 20 डिग्री 30 मिनट, सही है आंसर। देखो डीजे करना पड़ेगा, देखो आया क्या 20 डिग्री 30 मिनट आया, देखो यहाँ पे 20 डिग्री 30 मिनट आगे इधर। चलो अरे तुम लोग सब कर लोगे, हमको पता है, ठीक है ना। आज फिर एक क्वेश्चन देते हैं तुम लोग को। अब लास्ट वाला कौन निकालना, ये वाला निकालना, 34 हो गया जी, 14 मिनट बर्बाद हो गया। देखो इसमें तुम लोग फिर भी नहीं समझोगे तो फिर कहोगे कि सर समझ में नहीं आता, ठीक है। चलो लग रहा है तुम लोग को एक्स्ट्रा क्लास लेना ही पड़ेगा। ये एंगल अब निकालना है, ये एंगल कैसे निकलेगा जी, बहुत सिंपल है, फिर से वही करेंगे। बड़का, अब बड़का मतलब क्या, इधर से डॉट से शुरू करेंगे, बड़का ये हो गया, सॉरी ये हो गया, और छोटका क्या हो गया जी, छोटका क्या हो गया, ये हो गया, बड़का मैंने छोटका करेंगे तब तो ये निकलेगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तुम लोग को, फिर से मैं बता देता हूँ, हमको निकालना कौन सा एंगल है, ये वाला, ठीक है। हमको दिया हुआ क्या है, अच्छा ये वाला निकालना है, ठीक है। माइनस क्या क्या करेंगे, अब ये ध्यान से देखो, लेकिन अब तुमको बता देते हैं, बाकी लोग कुछ सोचना है ना। ये वाला तो हमको बड़का ये दिया हुआ है, ठीक है, उसमें से अगर ये वाला एंगल से माइनस कर देंगे तो ये यहाँ से यहाँ पहले पता कर लेते हैं यहाँ से यहाँ कितना है, अब फिर उसमें से ये वाला जोड़ देंगे तो हो जाएगा जी। दूसरा उपाय ये सोचो, ये वाला आपको अगर पता है 300 है, अब पूरा 360 होता है, 60 डिग्री तो इसी पता चल गया। अब हमको खाली ये वाला निकल जाए, दोनों को जोड़ के निकाल देंगे, इसमें जोड़ घटा वाला बातें छोड़ो, आरबी ये वाला, इसका खाली अब निकाल देंगे, क्या निकालेंगे, फोर बेयरिंग ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे जल्दी, फोर बेयरिंग ऑफ डी या फिर ईडी, ईडी डी ईडी, ईडी सही होगा, डी डी कैसे होगा, फोर बेयरिंग लिख रहे हैं ना जी, फोर बेयरिंग में एंगल ई पे निकालना है आपको, फाइंड किस पे करना है, ई पे करना है तो ई पहले आएगा, ये आएगा तो ई क्या होगा, 205 डिग्री 30 मिनट माइनस 180 डिग्री कितना हो जाएगा जी, 30 मिनट इधर आ गया, आई 5 में से 0 गया 5 डिग्री, 10 में से 8 गया 2, 25 डिग्री 30 मिनट ये आ गया, 60 प्लस 25 डिग्री 30 मिनट कितना हो गया जी, 85 डिग्री 30 मिनट आंसर आ गया, 85 डिग्री 30 मिनट, देखो आंसर आया इतना, 85 डिग्री 30 मिनट आ गया ना, 85 डिग्री। अब सबको ऐड करो, सबको ऐड करने पर अगर 540 डिग्री आ गया तो तुम्हारा बिल्कुल बिल्कुल सही है कैलकुलेशन। क्यों 540 डिग्री आएगा, ये फॉर्मूला होता है 2n-4 का इंटू 90 डिग्री, कितना है इसमें जी भुजा, कितना है देखो यहाँ पे, कितना भुजा है जी, एन मतलब भुजा, भुजा की संख्या 1, 2, 3, 4 और 5, तो 2 × 5 − 4 × 90 कर देंगे, 10 − 4 × 90 यानी 6 × 54, 540 डिग्री, 540 डिग्री आ रहा है जी जोड़ने पे, इसका मतलब तुम्हारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही। अब चलो आते हैं, अब भी नहीं समझ में आया, अब भी नहीं समझ में आया तो मेरा फिर से वीडियो देख लेना, ठीक है। अब चलो आते हैं कंपास पे, कंपास क्या जी, पुराने जमाने में कंपास बहुत यूज होता था, ठीक है, आयरन का होता था, इसमें मैग्नेट होता है, ठीक है,
ये बिजली से चलता है कि बिना बिजली से चलता है, कोई बताएगा? बिना बिजली का, विदाउट बिजली से। हाँ बिना बिजली का, इसलिए पहले एग्जाम। हाँ ठीक है ना, ठीक है, बिल्कुल सही। जितना भी इंस्ट्रूमेंट देखे हो सब क्या बिना बिजली का चल रहा है, ठीक है ना अभी तक। अब देखो मैग्नेटिक कंपास, ठीक है ना, क्या होता है इसमें, इसमें क्या होता है जी मैग्नेटिक कंपास में, कि तुम्हारा या तो दोनों डब्ल्यू सी बी भी माप सकते हो, और डब्ल्यू सी बी भी और आर सी बी, दोनों में से किसी पे भी, डब्ल्यू सी बी समझ गए ना, क्यूबिक समझ रहे, दो ही सिस्टम है, दोनों से किसी को भी माप सकते हो मैग्नेटिक कंपास से। इसके यहां से गाय बोल रही है जी, म्यूट कर लो, ठीक है चलो। अब देखो सवाल हमारा क्या है, मेजर टाइप ऑफ कंपास क्या क्या है, तीन तरह के कंपास है, ठीक है। प्रिज्मेटिक सर्वेयर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एमबीबीआई, हमेशा एग्जाम में एक ना क्वेश्चन इसमें कम से कम 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये दोनों से 7 से 8 नंबर का, ठीक है ना, इसलिए इसको हल्के मत लो दोनों को, ठीक है। प्रिज्मेटिक कंपास क्या होता है, पोर्टेबल है, इसको कहीं भी ले जा सकते हो, ठीक है, हाथ में रख करके इसको कहीं भी ले जा सकते हो, इसको ट्राइपॉड पे भी फिक्स करते हो। ट्राइपॉड क्या होता है, 3 लेग वाला एक खड़ा रखने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, इसको ट्राइपॉड बोलते हैं, ठीक है, इस पे कहीं पर लगा दो कंपास, इस तरह से रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंपास जो होता है साइटिंग और रीडिंग दोनों एक साथ कर सकते हैं बिना पोजिशन चेंज किए हुए, अब बताते हैं कैसे, ठीक है। इसका खासियत ये क्या है जी, तुम्हारा क्या हो गया, ये कंपास है, ठीक है ना, प्रिज्मेटिक कंपास। ये क्या, इधर से क्या होगा, तुम्हारी आंखें रहेगी, इधर से क्या है, तुम्हारी आंख रहेगा, इधर से यहाँ तो देखने के लिए ये आंख है तुम्हारा, ठीक है ना। ये क्या है, एक धागा रहता है, इधर क्या होता है, रेंजिंग रहता है, ठीक है ना, रेंजिंग, ठीक है, रेंजिंग रॉड रहता है, ठीक है। अब इधर से क्या होगा, हम लोग डायरेक्ट देखेंगे, धागा से इसको क्या होता है, साइड करना रहता है, अब जहां पे इसका कट गया इसको घुमाते रहेंगे, इसको क्या होगा, घुमाएंगे कभी इधर थोड़ा सा घुमाएंगे कभी इधर घुमाएंगे, जब ये पूरा एकदम सीध में आ जाएगा तब एंगल पढ़ लेंगे, एंगल देखो क्या था दिया हुआ, मान लो इधर से एंगल आ गया 77 डिग्री पे, ठीक है, तब यहाँ पे जो तुम पॉइंट पे खड़े हो इधर से 77 डिग्री पे तुम्हारा इधर आ गया, ठीक है ना, अब एग्जैक्ट नहीं समझ में आएगा तुम लोग को जब तक फील्ड में नहीं जाओगे, 77 डिग्री पे आ गया, इधर देख रहे हैं तो इधर से 77 डिग्री 277 मान लो आ गया, ठीक है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो क्या हो गया, इससे हम लोग पोजिशन क्या और साथ साथ एंगल भी दे सकते हैं। इसमें क्या क्या होगा जी, मैग्नेटिक नीडल होगा, रिंग होगा, ग्रेजुएटेड रिंग मतलब जिसपे एंगल लिखा होगा, देखो इस पे एंगल लिखा हुआ ना जी, नीडल होगा, इसमें सुई होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, मिरर भी होगा, एडजस्टेबल मिरर भी होता है, ठीक है, चलो दिखाते हैं सब क्या होता है कहाँ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है जी, स्लाइडिंग अरेंजमेंट ऑफ मिरर को क्या होता है, चेंज भी कर सकते हैं पोजिशन को। फिर ऑब्जेक्ट वैन हो गया, ये वाला जो होता है ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट वैन जिसमें तार लगा रहता है, ये आई वैन हो गया, क्या हो गया, आई वैन हो गया। मेटल बॉक्स, इसमें मेटल बॉक्स भी रहता है, ये पूरा क्या है, मेटल बॉक्स है ये, ठीक है चलो, ठीक है सर। हॉर्स का हेयर ना रहता है सर, जिसको आप धागा बोले। हाँ हाँ हाँ, हॉर्स कह रहता, पता नहीं किसका हो रहता है, हॉर्स हेयर लिखता है इसको, ठीक है, ग्लास कवर और हॉर्स हेयर, ठीक है, सबसे मजबूत होता होगा इसीलिए, ठीक है ना, टूटता नहीं होगा जल्दी, ठीक है। 10 मिनट बचा हुआ है, फिर से रिज्वाइन कर जाइएगा, आप लोग को खत्म करना था, ठीक है, आप लोग के नोमेडिकल में ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। प्रिज्मेटिक कंपास क्या होता है जी, कंपास में क्या होता है, रीडिंग जो होता है प्रिज्म की सहायता से लेते हैं, प्रिज्मेटिक कंपास में क्या होता है, यहाँ पे मिरर होता है, प्रिज्मेटिक कंपास में क्या होता है, मिरर से लिया जाता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, तुमको एंगल तो डायरेक्टली, एंगल कहाँ रहेगा जी, देखो यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, प्रिज्म रहेगा, देखो यहाँ पे इस साइड से देखोगे ना, यहाँ पे क्या लगा रहेगा, प्रिज्म लगा रहेगा, यहाँ पे क्या लगा रहेगा, प्रिज्म, और नीचे क्या लगा रहेगा, मिरर, ठीक है ना। तो क्या होगा, तुम जब आंख दिखाओगे इधर तो सामने देखोगे तो रेंजिंग रॉड दिखेगा, और नीचे देखोगे तो तुमको एंगल दिखेगा, एंगल यहीं से तुम पढ़ लोगे। नीचे कैसे देखोगे, तो हल्का नजर झुकाओगे ना तो तुमको एंगल लिखा हुआ, तुमको यहाँ प्रिज्म रहता है ना, प्रिज्म तुमको सीधे आंख पे डाल देगा, यहाँ से लाइट तुमको सीधे आंख में डाल देगा, और यहाँ से दोनों चीज तुम एक साथ देख सकते हो, ठीक है। खासियत यही होता है प्रिज्मेटिक कंपास का, ठीक है, ठीक है चलो, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ प्रिज्म दिखा रहा है तुमको, 6 नंबर क्या है, यहाँ पे प्रिज्म दिखा रहा है, ठीक है, इसमें भी देख लो अच्छे से, कोई भी चीज छुटाना नहीं चाहिए, ठीक है ना। पहला नंबर देखो, पहला क्या है, बॉक्स है। बाबू म्यूट हो जाइए आप लोग, कितन आपको अतुल्य बार बार बोलते हैं म्यूट होने के लिए, आप हमेशा म्यूट रहते हैं, ठीक है, ठीक है। नीडिल है, दूसरा वाला क्या है, ये नीडिल है। तीसरा वाला ग्रेजुएटेड रिंग है, जो लंबा चारों पट्टी गोल गोल रहता है,
ऑब्जेक्ट वेन हो गया, ये चौथा नंबर ऑब्जेक्ट वेन, पांचवा वाला आई वेन हो गया, ये आई वेन, ठीक है। छठा वाला क्या हो गया, प्रिज्म हो गया, दिखाए थे छठा प्रिज्म हो गया। सातवां क्या हो गया, प्रिज्म कैप हो गया, यहाँ पे दिखेगा प्रिज्म कैप, इससे निकाल भी सकते हो, इसको ऐसे करके निकाल के प्रिज्म रख सकते हो। आठवां क्या है, ग्लास कवर है, ऊपर में रहता है ग्लास शीशा का, लिफ्टिंग पिन। नौवां क्या हो गया, लिफ्टिंग पिन हो गया, यहाँ से ग्लास कवर निकालने के लिए। दसवां क्या है, लिफ्टिंग लीवर है, ठीक है, यहाँ से क्या हो सकता है तुम लोग लिफ्टिंग लीवर, थोड़ा सा ऊपर उठाना है, नीचे झुकाना है, वो सब तुम कर सकते हो। ये क्या हो गया, ग्यारह नंबर ब्रेक पिन हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया ब्रेक पिन, इसको तुम घूमने से रोक भी सकते हो, फिक्स कर दिया हम लोग, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है जी, बारहवां क्या है, स्प्रिंग ब्रेक हो गया, ठीक है। स्प्रिंग ब्रेक क्या हो गया, ये वाला स्प्रिंग ब्रेक, इतना डिटेल से नहीं पढ़ना लेकिन हम बता दे रहे हैं क्या क्या है, ठीक है। तेरह नंबर में क्या है, मिरर, मिरर किधर है जी, ये क्या है, पीछे मिरर है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्या है, पीछे स्प्लिट के पीछे रहता है मिरर, ठीक है, इसमें भी तुम एडजस्टेबल कर सकते हो। चौथा क्या है, पाइवोट, पाइवोट कहाँ है जी, ये वाला नीचे जिसपे क्या होता है तुम्हारा टंगा रहता है, पाइवोट क्या है, क्या होता है, मैग्नेटिक नीडल रहता है, ये मैग्नेटिक नीडल, ठीक है। एग्रीगेट कैप, पंद्रह नंबर में क्या होता है, एग्रीगेट कैप होता है, ठीक है, ये वाला इस पूरा कस के रखा रहता है बांध, इसे नीडल निकल ना जाए इसे। ये सोलह नंबर क्या है, फोकसिंग है, ये फोकस करते हैं इसे, ठीक है, मान लो प्रिज्म नहीं फोकस कर पा रहा तो फोकस करेंगे। और सत्रह नंबर में क्या होगा, सनग्लास, इधर से क्या होगा, सनग्लास आएंगे कि धूप से चमके नहीं, समझ गए सब लोग क्या क्या है इंस्ट्रूमेंट सारा, सबके बारे में लिखा हुआ है। इसका डाया कितना रहेगा जी, हाँ इसका डाया कितना रहेगा कंपास बॉक्स का, 8 से 10 सेंटीमीटर। मैग्नेटिक नील जो होता है 0 से 360 डिग्री क्लॉकवाइज करेगा, ठीक है ना। जीरो मार्क कहाँ रहेगा जी, उल्टा रहता है इसमें, जीरो कहाँ रहेगा, साउथ पे, और नॉर्थ पे कितना रहेगा, 180 डिग्री। और यहाँ पे कितना होगा जी, 90 डिग्री, कितना होगा, 270, ठीक है। यहाँ कितना होगा, 180 डिग्री, हमेशा क्या होगा ये उल्टा रहेगा, ठीक है ना, ये क्या होगा उल्टा रहेगा, ठीक है, 90 होगा सर, बेस्ट ईस्ट वेस्ट हो जाएगा सर इधर, अच्छा सॉरी सर 90 होगा सर, अरे बाबू 90 होगा, ठीक है, वेस्ट में, ठीक है ना, इसमें क्या होगा उल्टा होगा, ठीक है ना, ठीक है। ये क्या होगा, अपसाउट डाउन की तरफ लिखा रहेगा, ठीक है सारा क्या होगा। और ये क्या हाफ डिग्री होगा, ये पूछता है तुमको हाफ डिग्री, इसका लिस्ट काउंट कितना होता है जी, पूछेगा एग्जाम में लिस्ट काउंट कितना होता है, किसका, प्रिज्मेटिक कंपास का, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, कितना होता है जी, आधा मिनट, आधा हाफ डिग्री, 0.5 डिग्री, ठीक है, हाफ डिग्री होता है, हाँ ठीक है, हाफ डिग्री होता है, ठीक है, ठीक है, ये सब तुम लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखो, मैग्नेटिक नीडल के बारे में देख लिए। नेक्स्ट क्या है, साइड वेन क्या होता है, इसको थोड़ा सा अच्छे से जाना था, ठीक है। साइड वेन क्या होता है जी, जो तुम देखते हो यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है, एक यहाँ पे इस पे क्या होता है, ठीक है, अरे यार क्या हो जाता है, ठीक है, ये कंपास है तुम्हारा, यहाँ पे क्या प्रिज्म लगा रहेगा, आई साइट भी लगा रहेगा यहीं पे, ठीक है ना। ये क्या होता है, अपोजिट में एक दूसरे क्या होगा, एकदम अपोजिट में दोनों होगा, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, मेटल बॉक्स रहेगा, इसमें हॉर्स हेयर होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक जो प्रिज्म जो होता है, एक स्लाइटिंग टिल्ट रहता है टॉप में, ठीक है, दो स्मॉलर हॉल्स भी रहता है, जिससे क्या होगा, एक से प्रिज्म दिखेगा, एक से ऑब्जर्वर आई से दिखेगा, दो को यहाँ पे होल दिखता है तुम लोग को, जैसे फोटो में देखो, यहाँ पे फिर से देख लेते हैं फोटो, ठीक है, यहाँ पे देखो दिख रहा है जी, यहाँ पे दिख रहा है, एक स्लिट के लिए दिखेगा, एक स्लिट के लिए, एक क्या दिखेगा जी, स्लिट के लिए होल दिखेगा, और एक प्रिज्म के लिए होल दिखेगा, ठीक है ना, दो टाइप का, एक लंबा एक गोल, देख लिया सब लोग, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डार्क ग्लास क्या होगा, दो डार्क ग्लास करेंगे प्रिज्म के प्रोवाइडेड विद द प्रिज्म, एक रेड ग्लास होगा जो क्या होगा, ज्यादा जो चमकेगा ना, वो सबको क्या होगा, क्लियर कर देगा, ठीक है। लुमिनियस सब्जेक्ट लाइट वगैरह में देखने के लिए ब्लू ग्लास क्या हो जाता है, जो ज्यादा अगर दिन में देखने के लिए ब्लू ग्लासेस पे लगाते हैं, ठीक है, रेड ग्लास और ब्लू ग्लास, ठीक है, ये दोनों लगाते हैं, ठीक है, चलो डिलीट करो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब देखो क्या होता है, एडजस्टेबल मिरर क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज एडजस्टेबल मिरर, ये पीछे लगाया जाता है जी, साइड वैन के पीछे लगाया जाता है एडजस्टेबल मिरर, इसका क्या कहना, ये लोअर और रेज किया जाता है, ठीक है, इंक्लाइंड भी किया जाता है, ताकि जो है अगर कोई ऑब्जेक्ट ज्यादा नीचे और ज्यादा ऊपर होगा लाइन ऑफ साइट का, तो मिरर से भी उसको देख सकते हैं। अब इससे होता क्या है, देखो यहाँ पे फोटो में देखो वापस, ठीक है, यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है,
ये इस तरह से इसमें मिरर इसमें फिक्स होता है, इस पर दिखाया नहीं गया है, मैं तुम लोग को फोटो ले, इस तरह से मिरर होगा, इसको तुम लोग क्या कर सकते हो, जैसे ज्यादा छोटा रहेगा दूर से एकदम दिखेगा तो मिरर पे दिखेगा, मिरर से तुम लोग डायरेक्ट इसको देख सकते हो मिरर में भी, ठीक है ना, ज्यादा छोटा हो। अभी मैं इसको तुम लोग को प्रिज्मेटिक कंपास जो है गूगल में दिखाता हूँ, प्रिज्मेटिक जिसमें तुम लोग को मिरर लगा रहेगा, ठीक है ना, देखो दिख रहा है जी मिरर, यस और नो, यस सर, नो सर, अभी दिखेगा, रुको, नहीं भी दिख रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ सभी को, दिख गया ना जी मिरर, ये मिरर दिख रहा है यहाँ पे, यस सर, ये मिरर दिख रहा है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक चीज और दिख रहा होगा तुम लोग को, क्या दिख रहा होगा यहाँ पे, रेड और लिखा हुआ है जी, रेड और ग्रीन वाला पाइवट के सामने, इससे क्या होगा जी, ये नाइट के लिए है और ये ग्रीन के लिए है, ठीक है, ये क्या है, नाइट के लिए और ग्रीन के लिए, ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो तीन चीज हो गया, टू डार्क ग्लास प्रोवाइड करते हैं प्रिज्म के, रेड ग्लास जो होता है वो ल्यूमिनियस नाइट में ल्यूमिनियस सब्जेक्ट देखने के लिए, और ब्लू ग्लास क्या होता है दिन में डे लाइट में आग से बचाने के लिए, एक एडजस्टेबल होता है ये, ठीक है ना, मिरर जो होता है, ठीक है ना। ब्रेक पिन क्या होता है, ब्रेक पिन बेस ऑफ साइड वेन पे देते हैं, इसको प्रेस किया जाता है तो क्या होगा, ये जो ये घूमते रहता है ना ये रुक जाता है, ये क्या होता है घूमते रहेगा, ये क्या घूमते रहेगा, ये क्या हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा मतलब हमको अगर थोड़ा थोड़ा सा के लिए डिफरेंस पे लेना है तो ये ज्यादा ऐसे नहीं तो घूमते रहेगा, ठीक है, ये स्टॉप पिन है। एक लिफ्टिंग पिन है, लिफ्टिंग पोर्ट क्या हो जाता है जस्ट बिलो द साइड वेन, ठीक है, इससे क्या होगा साइड वेन के जस्ट नीचे, ये साइड वेन होगा ना जी, इसको कौन सा वेन बोलते हैं जी, साइड वेन, ठीक है, साइड वेन में जब साइड वेन को जो फोल्डेड किया जाता है ग्रास लिफ्टिंग पिन में तो यहां से क्या होता है, ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट वेन बोलते हैं इसको, साइड वेन ये हुआ, हम गलती बोल दिए, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट वेन हुआ हुआ, साइड वेन ये हुआ, ठीक है ना, ठीक है, चलो ऑब्जेक्ट वेन और आई वेन, ठीक है। अब ये ग्लास कवर क्या हुआ, ये वाला तो ग्लास कवर हो गया तुम्हारा, एल्युमिनियम डस्ट से बचाने के लिए होता है। प्रिज्मेटिक कंपास में क्या होता है, ठीक है, अभी जस्ट एडजस्टमेंट करेंगे, दो तरह का एडजस्टमेंट होता है, टेम्पोररी और परमानेंट, टेम्पोररी पढ़ना है परमानेंट नहीं पढ़ना है जी, ठीक है, टेम्पोररी में पूछेगा ऑब्जेक्टिव, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, तीन चार बार पूछ चुका है एग्जाम में, व्हाट इज टेम्पोररी एडजस्टमेंट इन सर, दोनों में सेम होता है, सेम होता है सर्वेयर कंपास और प्रिज्मेटिक, प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास दोनों के लिए सेम होता है टेम्पोररी एडजस्टमेंट, अभी कटेगा एक मिनट के अंदर कट जाएगा जी अभी, ठीक है ना, 20 सेकंड में फिर से रिज्वाइन होइएगा, जल्दी दोनों सब पढ़ लेते हैं, एडजस्टमेंट सेंटरिंग क्या होता है, लेवलिंग क्या होता है और एक फोकसिंग क्या होता है, ठीक है ना, ये तीनों पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद सर्वेयर कंपास पढ़ेंगे, ठीक है, सर्वेयर कंपास भी एकदम सेम है, कुछ अंतर नहीं है,